जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आर्किटेक्ट नबीला नज़ीर है और मुझे अजमा ने अप्रोच किया था कि मैं थोड़ा सा बताऊं कि मेरी डाची से एसोसिएशन कैसे है और ये जो क्राफ्ट्स मुझे स्पेशली विच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो वेरियस काइंड्स ऑफ बास्केट वीविंग एंड टोकरियों से रिलेटेड जो भी क्राफ्ट्स होते हैं, जो मुझे बहुत उनका दुख होता है कि हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक हमारी ज़िंदगियों में इतना आ गया है कि हम लोगों ने जो टोकरियाँ थीं उनको बिल्कुल छोड़ दिया, वो वही काम करती थीं कैरी करने के लिए चीज़ें, जो अब हम प्लास्टिक पॉलीथिन बैग्स या प्लास्टिक की टोकरियाँ या इस तरह की चीज़ें से हम लोग करते हैं। एक तो जो टोकरियों का जो मटीरियल्स होते हैं वो इतनी आसानी से यहाँ उगते हैं एंड दे आर ऑल रिन्यूएबल मटीरियल्स, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट देम, कि वो ग्रासेस होते हैं और रीड्स होते हैं, रशेज होते हैं, विलो ब्रांचेस होती हैं, शतूत की ब्रांचेस होती हैं, और वो पतली पतली जब निकलती हैं आप उनसे बना सकते हैं। जैसे हमारे अभी भी शुक्र है कि आपने देखा होगा जो ये फल वालों की टोकरियाँ होती हैं ये शतूत की ब्रांचेस से बनी होती हैं। ये शुक्र है कि अभी तक है, इनकी जगह भी वो इनकी जगह भी उन्होंने वो प्लास्टिक के बड़े बड़े जो कंटेनर्स ऐसे होते हैं वो शुरू कर दिए। यू सी, जितना हम प्लास्टिक को इनक्रेज करते जाएंगे उतनी हमारे पोल्यूशन में इजाफा होता जाएगा, लैंडफिल्स में इजाफा होता जाएगा, और हमें और ये जो चीज़ें, और दूसरा नुकसान ये होगा कि जो क्राफ्ट्समैन है उनकी जो एक लाइवलीहुड थी वो ख़त्म होती जाएगी। तो ये जो है मुझे ये जो हमारे साथ लोग मैं जब मैं आई हूँ लाहौर कुछ साल हो गए, 14 साल, 13-14 साल, तो जो मेरे घर में काम करते थे इनको मुझे था थोड़ा सा आइडिया कि इनके हाथ में बहुत सफाई है और ये बना लेंगे कुछ ना कुछ टोकरियाँ। तो इनको मैंने, जब मैं एक दफ़ा बाहर छुट्टी जा रही थी तो मैंने इनसे कहा कि जी आप लोग तो फारिग होंगे तो आपने जो है ना पीछे से टोकरियाँ बनानी हैं, क्योंकि सैलरी तो आपको मिल रही होगी, आपने काम कुछ नहीं करना तो आप टोकरियाँ बनाएं। तो इन्होंने कहा जी हमें तो कुछ नहीं आती है। मैंने कहा फिर आप सीख लें, गाँव में तो आप जा रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो लोग बनाते हैं। तो मैंने थोड़ी धमकियाँ शमकियाँ दी कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर मैं आपकी तनख्वाह भी नहीं दूंगी, और अगर आप बनाएंगे तो मैं आपसे टोकरियाँ भी ले लूँगी और तनख्वाह भी मिल जाएगी। तो फिर जब मैं आई तो उन्होंने 20-25 टोकरियाँ बना के ना वेरियस किस्मों की, कोई खजूर के पत्तों की, कोई वो एक और डिब डिब होती है जिससे ये लोग मस्जिद की वो सफ़े वगैरह बनाते हैं उससे भी बनाई हुई थी, तो काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी, इतनी बहुत सफाई नहीं थी मगर दे हैड स्टार्टेड, और इन्होंने वहाँ पर जो वीवर्स होते हैं उनके साथ बैठ के सीख लिया था। तो ये लोग फैमिली के 4-5 लोग थे, सब ने कुछ ना कुछ सीखा हुआ था। तो फिर डाची में मैंने इन लोगों को कहा जी अब आप डाची के लिए करें, हम एक स्टॉल उसमें, यू नो आई एम अ मेंबर ऑफ डाची, तो आयशा ने मुझे कहा तुम्हारा एक स्टॉल, तो वो हमें तो चार्ज भी नहीं करते थे बिकॉज वी आर अ मेंबर, सो वी गॉट अ स्टॉल और 2 टेबल्स, उस पर इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी काफ़ी चीज़ें, हमने लैम्प्स डिज़ाइन किए बैम्बू के साथ और वो रीड्स का वीव करके, और साइड लैम्प्स, फ्लोर लैम्प्स, टोकरियाँ, यू नो वो प्लेटर्स, ट्रेज, फ्रूट बास्केट्स, काफ़ी चीज़ें जो भी हमें समझ में आया। फिर उसके बाद इसकी बहन ने भी साथ शुरू कर दिया, वो उनकी जो है वो नेट पे से देखे, क्योंकि बच्चे इनके अब माशाल्लाह से दे वेरी स्मार्ट, नेट पे से देखे उसने न्यूज़पेपर्स की बनानी शुरू की, वो भी इतनी प्यारी बनती है, अभी लोग सब बना रहे हैं वहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से ना इनका भी काफ़ी यू नो पोर्टफोलियो आहिस्ता 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 बड़ा होता गया, जो कुछ बना सकते हैं। तो वो ये था कि इनको अगर आप इनक्रेज, और उससे पहले बात ये थी कि जो ये लोग ज़्यादातर इन द मैन इन देयर फैमिली वर ऑल अनस्किल्ड लेबरर्स एट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कि सब जी वो इंटरनेट हो रहे हैं और ये, हालांकि ये लोग सब काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो ये बाहर से लोग आए हुए होते हैं गाँव से, इनको अगर आप थोड़ा सा इनको इनक्रेज करें और उनको करें तो ये इतना लेस यू नो स्ट्रेनुअस वर्क से उतना ही पैसा कमा सकते हैं। तो अब यू नो दे कैन सिट एट होम एंड मेक यू नो सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी, विच इज़ वेरी नाइस। और दूसरी चीज़ ये है, अपार्ट फ्रॉम देम मेकिंग मनी, फॉर अ हैप्पी थिंग फॉर ऑल ऑफ अस इज़ कि हमारी हेरिटेज बच जाती है, जो हमारी, और तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स के पोल्यूशन से हम बच जाते हैं। तो दिस इज़ अ विन विन फॉर एवरी वन। You know, why would you not encourage our indigenous, people to do what they know and
buy it from them rather than buying cheap plastic from, you know, I don't want to name any country, but rather than buying cheap plastic stuff from anywhere, why wouldn't you buy your own tokris and your own baskets and your own, you know, why wouldn't you do that? So, ye hai ki hamare akhbar ke hi hamare, in fact, bin ke jo hamare kitchen ka jo waste hota hai, uske jo line karne ke hain, wo bhi ab hum akhbar ke hi banate hain, kaafi saal ho gaye. Isliye ki wo akhbar ko double karke unko maine kaha ji ye dekho side pe iski banao, chaudi si uski edge taki wo chauda sa lifafa ban jaye, usko andar wo in fact, lay laga ke na, not even glue bhi kyun istemal kare, glue mein bhi chemicals hote hain, to wo aate ki ya maide ki lay bana ke usme lagate, usko glue laga ke itna acha lifafa banta hai, वो हम अपने किचन के बिन में लगाते हैं और वो हमारा रोज का एक या दो लिफाफे निकल जाते हैं, हम लिफाफा बंद करके बाहर टोकरी में डाल देते हैं. कोई प्लास्टिक नहीं यूज होता इसलिए कि इसमें इनको पैसे भी मिल जाते हैं. आई बाय द लिफाफा, आई गिव देम न्यूज़पेपर्स, सारे घर में जो रद्दी जमा होती है वो मैं उनको दे देती हूँ. वो उसकी जो सिस्टर इन लॉ है मेरी, ये जो घर में काम करती है उसकी सिस्टर इन लॉ मेक्स द लिफाफाज और हम उसको पैसों से खरीद लेते हैं. और वो जो अब लिफाफा जब आप कचरे वाले को देते हैं तो वो तो लैंडफिल में घुल जाएगा ना, वो तो हवा में नहीं उड़ेगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा, थोड़े दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा और इनको पैसे भी मिल जाएंगे. तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? सिर्फ ये है कि आप उसमें गीला नहीं फेंक सकते, आप छिलके उसके अंदर माल्टे के या कोई ऐसी गीली चीज़ नहीं फेंक सकते. तो वो आप अपने घर में कहीं भी कॉम्पोस्ट की जगह बना लें, सारे छिलके आप उसमें डालें. आपकी हमने हमारे घर में मतलब बहुत फूल तो नहीं है आजकल, क्योंकि हमारे घर में दरख्त इतने हैं कि छाव बहुत रहती है तो फूल नहीं होते, लेकिन सारे दरख्तों में सारे ग्रीन जितने भी पौधे हैं इसमें सब में हमारी अपनी खाद डलती है, घर की जो छिलकों की पत्तों की जो खाद होती है वो हमने कभी आज तक बाजार से नहीं ली. और वो यही चीज़ें जो हैं जो हम नहीं डालते बिन में वो उसमें चली जाती है. बिन में आपने टिशू फेंक दिया, कोई बोन्स हुई वो फेंक दी, लिफाफे में अखबार के बंद करके बाहर फेंक दिया. सो यू नो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दीज आर लिटिल स्टेप्स एंड दे मेक मनी फॉर दीज पीपल, दे स्टे बिजी. इसमें कोई इन क्राफ्ट्स में कोई बिजली नहीं चाहिए आपको, कोई आपको किसी किस्म की मशीनरी नहीं चाहिए, 100% रिन्यूएबल मटेरियल से ये बनता है. इसमें किसी किस्म का कोई किसी किस्म की एनर्जी खर्च नहीं होती, सिर्फ मैन पावर खर्च होती है और उसके पैसे उनको मिल जाते हैं. तो मुझे तो इससे अच्छी चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या हो सकती है. एंड आई थिंक जो लोग यू नो अपने अपने घरों में आपके जो स्टाफ हैं, देखिए चौकीदार सबसे ज़्यादा जो ज़ाया होने वाले बंदे हैं ना हमारे मुल्क के, चौकीदार और ड्राइवर्स. आई मीन एबल बॉडीड आदमी एक बैठा ट्विडलिंग हिज थंब यू नो द होल डे. आई मीन किस तरह से आप, मुझे तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता. मैंने तो उनको कहा भाई अगर आप फारिग बैठे नजर आए ना मुझे तो तनख्वाह कट जाएगी, ठीक है ना. सो आपने जब फारिग होना है, कोई बाहर जाके आपने गप्पे नहीं मारनी, कोई आपने सिगरेट नहीं पीना किसी किस्म का, आपने बैठ के हमारे बैम्बूज हैं उनको काट के वो बड़ी प्यारी लालटेने बनाना है, आप वो लालटेने बनाएं, वो मैं आपसे खरीद लूँगी, ठीक है ना. जब आप दैट इज इन एडिशन टू योर सेल्फ, वो इतने ज़बरदस्त उनके वो हाथ चलने शुरू हो गए हैं और वो एवरीबडी लव्स दोस लाल टेंस, जो किसी को अच्छी लगती है. तो मैं बजाय कि स्टूपिड सी कोई चीज़ बाजार से खरीद के उनको दूँ, मैं उनको चार पांच लाल टेने अखबार के लिफाफे में डाल के दे देती हूँ. और यू नो वो पीस भी बना के दे दे मुझे, रोज़ की एक भी बना दे, 400 की एक होती है, 400 रुपये उसके रोज़ के फालतू बन जाते हैं, उसके महीने के 12,000 रुपये फालतू हो जाते हैं, ठीक है ना. और मेरे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैंने तो लोगों को तोहफे देना ही होता है ना. कभी आपने किसी के जाना ही होता है तो आपने जो बाजार से 1,000 रुपए की चीज़ लेनी है 2,000 की, आप 5-6 लाल टहने दे दें तो वो उसका, मेरे बैम्बूज को तो वैसे ही कटना होता है क्योंकि नहीं कटेंगे तो जंगल बन जाएगा. तो जब वो कटता है और वो रिन्यूएबल, वो तो घास की तरह होता है ना, बैम्बूज लाइक अ ग्रास, वो और निकलता रहता है नीचे से, ऊपर से काट काट के हम उनकी टोकरियाँ बनाते रहते हैं. तो आपके घरों में कुछ भी ऐसी चीज़ जो लोग हैं, चलो बास्केट से बनानी, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर एक ने यू नो सिलाई कढ़ाई में जाना है. और कितनी सिलाई कढ़ाई करके लोग कितने कपड़े यू नो बना लेंगे, एवरीबॉडी वांट्स टू यू नो टीच समबडी के सिलाई कर लो. एंड आई थिंक और भी बहुत सारे हमारे क्राफ्ट्स हैं जो सीखे जा सकते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग है, अब वो भी सिखा सकते हैं. यू नो कुछ भी अपने लोगों को कहते हैं कि जी आप अपने क्राफ्ट्स कुछ सीख लें, फारिग वक्त में बैठ के आप ये बनाएं. हाँ वहाँ पर एक वो है कराची में, इनफैक्ट आई नो दोस वेरी डियर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो चलाती हैं राना लियाकत अली खान के नाम से एक सेंटर है, वो लोग इतने प्यारे अखबार के लिफाफों पे ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं और इतनी प्यारी ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, उन्होंने औरतों को सिखाई हुई है. एंड दो अखबार के लिफाफे उसके अच्छी अच्छी डोरी हैंडल होता है एंड दे बिकम गिफ्ट बैग्स. तो वो तो 400 का, 300 का, 200 का अकॉर्डिंग टू द साइज वो देते हैं. तो वो आपकी अपनी क्राफ्ट है, बजाय कि आप फिर अगेन बाहर के इम्पोर्टेड लिफाफे खरीदें लोगों को गिफ्ट्स देने के लिए.
आप अपने लोगों को ब्लॉक प्रिंटिंग सिखा के या किसी भी तरह से उनको डेकोरेटिव करके गिफ्ट बैग्स बना सकते हैं, या छोटे बैग्स पैसे देने के, वो भी ब्लॉक प्रिंटिंग. आई मीन आइडियाज तो एंडलेस हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं दे शुड बी वर्किंग, यू नो, जब तक वो लोगों का सोने का टाइम नहीं आता. ठीक है ना, फारिग वक्त हो गया तो चलो कुछ बैठ के बना लें, और आप उनसे उसको आप बेच सकते हैं. आप चलो आप खुद ने नहीं खरीद, आपने हर नहीं खरीदनी तो आप डाची पे रखवा सकते हैं. सो दैट्स द आइडिया. आई थिंक आप अपनी लोगों को ज़ाया नहीं होने दें, उनका टैलेंट ना ज़ाया होने दें. इफ़ यू कैन यूज देयर टाइम टू मेक एक्स्ट्रा मनी फॉर देम, एवरीबडी यूजेज लाइक्स टू हैव सम एक्स्ट्रा मनी. मैं तो उनको कह देती हूँ, जब उन्होंने कहा मोटरसाइकिल लेनी है कुछ, मैंने कहा तुम मुझे लड लेने बना के दे दो तो फिर मोटरसाइकिल खरीद लो. कुछ ऐसे नहीं मैं पैसे दूंगी, कुछ बना के दे दो तो वो मैं तुमसे खरीद लूँगी. ठीक है ना, सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको तो थोड़ी वो एहसास भी होता है कि जी वी शुड स्टैंड ऑन आवर ओन टू फीट, एंड दे अंडरस्टैंड कि ये यू नो काम सबको करना चाहिए, हाँ फारिग नहीं बैठना चाहिए. सबसे जरूरी चीज तो वेस्ट, यू नो वेस्ट को आपको घर में बहुत ज्यादा वॉर फुटिंग पे कंट्रोल करना चाहिए. आई थिंक अगर हम लोग ये समझ जाए ना कि ग्रीड एंड वेस्ट आर इंटर रिलेटेड, तो हमारी आधी प्रॉब्लम दुनिया की यू नो सॉल्व हो सकती है. कि जितना हमें हबड़ा होता है ना कि ये भी ये भी ये भी, यू नो उसको अगर हम जरा कम कर लें, चीज़ ख़राब हो जाए तो फेंक, यू नो हमने सबने उसका नाम नहीं मुझे आता उस टेक्निक को क्या कहते हैं, जो वो जैपनीज जिसको क्रैक्स के साथ नहीं और गैमिंग तो है, जैपनीज एक टेक्निक होती है जिससे वो पुराने सिराब में कोई टूट जाती है उसको गोल्ड के साथ जोड़ के वापस उसको बना देते हैं. एंड दोज क्रैक्स दे से कि दे इनहेंस दैट प्रोडक्ट. यू सी, इंस्टेड ऑफ कि आप चीज़ ख़राब को फेंक दें, आप ख़राब चीज़ को रिपेयर करें. एक तो रिपेयर करने से आपके जो लोग हैं उनकी स्किल, अब मेरे बहुत सारे होते हैं बाहर से कोई बैग्स लिए हुए लगेज है ये ख़राब हो गया, माय हस्बैंड वुड से थ्रो इट अवे. मैं कहती हूँ क्यों, अगर ये यहाँ मुरम्मत हो सकता है 300-400 रुपये में, मैं क्यों फेंकूँ? मैं उसको यहाँ के यहाँ आर्य बाज़ार में इनको कहती हूँ भेज के, वो इतना ज़बरदस्त मुरम्मत करते हैं. लेदर के वो थे कुछ, उसका वो थोड़ा ख़राब हो गया था, वो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल दोबारा बना दिया, यू नो. तो आई मीन यू शुड जस्ट बिकॉज डिस्पोजेबल सा हमारा वो है कि चीज़ें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, तो वी शुड नॉट बी थ्रोइंग एवरीथिंग अवे. आप उसको रिपेयर करें, मरम्मत करें, प्यार से रखें चीज़ को, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करें, और ज़ाया ना जाए. हर वक्त नए कपड़े पुरानों को फेंको, ये करो. आई थिंक ये कल्चर हमारा थोड़ा सा जो है ना, इसकी वजह से भी काफ़ी ख़राबी होती है. चीज़ें घर में आपको सबको इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती हैं, बट उनको आप संभालें देर तक और उनको इन्जॉय करें. टूट जाती है तो रिपेयर कर लें, और रिपेयर करने से भी स्किल, रिपेयर करने से स्किल लोगों की बहुत अच्छी होती है. खुद रिपेयर करें तो किसी से करवा लें. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम. नहीं नहीं, वेलकम. यहाँ आने की इजाज़त दिया आपने. नहीं, यू मस्ट वेलकम. थैंक यू.